नमस्कार दोस्तों, पूनम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर मखाने की सब्ज़ी। तो इसके लिए क्या करना है, ये हमने मटर और काजू को 8-10 काजू और मटर को एक कुकर में डाल दिया। इसी के साथ 2 प्याज डाल देते हैं, एक इसी के साथ 1 लहसुन की गांठ डाल दी है, 1 हरी मिर्च डाल दी है और इसमें हमने 3 टमाटर डाल दिए हैं कट करके। इसे कट कर लगा दिया, इससे ये टमाटर छीलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, इसका छिलका आसानी से निकल जाएगा। फ्रेंड्स, अभी कुकर को बंद करके 1 सीटी आने के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे गैस पर चढ़ा देते हैं। तो देखिए, ये मटर और ये प्याज बॉयल हो चुके हैं, अभी हम इनको निकाल देते हैं बाहर। तो देखिए, ये मटर बाहर निकाल लिए, अभी हम सभी चीज़ों को अलग अलग कर देते हैं। एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं टमाटर और प्याज को। ये सभी चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं और टमाटर के छिलके उतार देने हैं। और इनको ठंडा करके बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है इनका। इनका छिलका फ्रेंड्स आसानी से निकल जाता है। तो अभी ये ठंडा करके हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। अभी हमने कढ़ाई गरम कर ली है, इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। इसमें ये मखाने डाल के इनको रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ये मखाने भुन गए हैं, अभी इनको बाहर निकाल लेते हैं। अभी इसी कढ़ाई में हम सरसों का ऑयल डाल देते हैं, आप जो भी ऑयल खाते हो वो वाला डालें। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अभी हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो 5-6 काली मिर्च ली हैं, 2-3 इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़पत्ता। अभी ये मसाला चटकने के बाद हम इसमें जो हमने पेस्ट बना कर रखा था उसको डाल देते हैं। इस तरह अगर आप पेस्ट बनाएंगे इसका तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी बनती है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अभी सभी मसाले हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और इन मसालों को लगभग 2-3 मिनट के लिए हम ढककर मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे इनको।
अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ये फ्रेश मलाई है, ये हमारी दूध से जो मलाई निकलती है उसको डाल देते हैं 2 चम्मच भर के, इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको ढक दिया है हम, तो देखिए इसको 3-4 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से इसने तेल छोड़ दिया है मसाले ने। अभी हमने जो ये मटर बॉईल करके रखी थी इसको डाल देते हैं। अब हम इसमें जो हमने मखाना रोस्ट करके रखा था उसको डाल देते हैं। ग्रेवी के लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। इस सब्जी को फ्रेंड्स आप नान के साथ, रुमाली रोटी के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ सर्व करें, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होती है। इसमें 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया है। तो देखिए इसको बनते हुए लगभग 8 मिनट हो चुके हैं, तो ये सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स। इसमें हमने हरा धनिया डाल दिया है। एक बार आप ज़रूर इस तरह बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो आप इसे एक लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो एंड तक देखने के लिए। थैंक्स।